नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित, एस्ट्रोलॉजर। जैसा आप जानते हैं, जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न वास्तु के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी से संबंधित सारे कार्य हमारे कार्यालय से किए जाते हैं। और इसके साथ आप अपनी जन्म पत्रिका दिखवा करके कि आपकी कुंडली में मार्केट से लाभ के योग हैं या नहीं हैं, यह भी जान सकते हैं। किस सेक्टर में लाभ के योग हैं, ये भी जान सकते हैं। और आप यह बात भी ज़रूर जानते हैं, और जो नए लोग जुड़ते हैं उन सभी को यह जानकारी ज़रूर रहनी चाहिए कि हमारी जो भी जानकारियाँ रहती हैं एस्ट्रोलॉजी के बेस पर रहती हैं। और इसी जानकारी में जब भी आप मार्केट में काम करते हैं तो मार्केट का रुख ज़रूर देखें, अपने स्वविवेक का उपयोग ज़रूर करें, और मार्केट का पूर्ण ज्ञान होना आपके लिए अति आवश्यक है। इसके साथ जो भी हमारी गणनाएं रहती हैं वह एस्ट्रोलॉजी के बेस पर रहती हैं, जिसमें आप गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल आदि का दैनिक, वीकली और मंथली प्रेडिक्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप दिए हुए कार्यालय के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को जानकारी दी जाती है मार्केट के बारे में, जैसा मैंने मंगलवार के मार्केट के लिए आपको बताया था कि मुझे मार्केट में मंदी के दौर ही समझ में आ रहे हैं, तो आपके मार्केट में जो है मंदी का दौर ही हमें देखने को मिला, और जो टाइमिंग दी गई थी उस समय पे थोड़ा बहुत रिकवर, थोड़ा बहुत सुधार की संभावना भी देखी गई थी। तो ऐसी जानकारियाँ जो हैं सारी एस्ट्रोलॉजी के बेस पर निकाली जाती हैं। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके साथ जो है अब हम देखेंगे राशिफल आपका क्या कहता है, और कल मिट्टी में क्या स्थिति बन सकती है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले जो है राशिफल देख लेते हैं, तो पंचांग देख लेते हैं। बुधवार का दिन 8 जून 2022, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा कल पूरे दिन, और सिंह राशि का प्रभाव 10 बजे तक रहेगा। इसके बाद जो है कन्या राशि का प्रभाव शुरू हो जाएगा, और कल जो है रेवती नक्षत्र में मंगल का गोचर भी हो रहा है, तो यह भी जो है मार्केट को किसी भी दिशा में ले जा सकता है। सभी मार्केट प्रभावित होते हैं। आज जैसा कि मैंने गोल्ड और सिल्वर के लिए जो है जानकारी दी गई थी हमारी रिपोर्टों में कि मद्दी का दौर हमें देखने को मिलेगा, तो सिल्वर में भी मद्दी देखने को मिली और गोल्ड में भी हमें मद्दी देखने को मिली थी। अब हम देखेंगे किस प्रकार से आपका राशिफल रहेगा। तो सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए देखेंगे कल क्या स्थिति है। तो मेष राशि वालों के लिए कल जो है हानि का योग बन रहा है, काम ना करें तो बेहतर रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए कल जो है पूर्ण लाभ का योग बना हुआ है, काम करके लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए भी लाभ का योग बना हुआ है, काम करके लाभ मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए जो है कल पूर्ण लाभ का योग, इन्हें भी काम करके लाभ मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए भी कल लाभ का योग बना हुआ है। यह दोस्तों अगली राशि आती है आपकी कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए हानि हो सकती है, काम ना करें, बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, नहीं तो हानि हो सकती है आपको। और इसके बाद जो है तुला राशि वालों के लिए भी कल हानि का योग ही बन रहा है, तो संभल के काम करें या ना करें तो बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए पूर्ण लाभ का योग बना हुआ है, काम करके लाभ मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए कुछ लाभ कुछ हानि का योग है, लाभ मिलते ही मार्केट से बाहर हो सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए भी जो है लाभ का योग है, काम करके लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए कुछ लाभ कुछ हानि का मिश्रित योग है, लाभ मिलते ही मार्केट से बाहर हो जाइए। और इसके साथ अगली राशि आती है आपकी मीन राशि। जी हाँ दोस्तों, मीन राशि वालों के लिए भी कुछ लाभ का योग है, काम करके आपको भी लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से यह था आपका राशिफल। इसे आप चालू नाम की राशि, जन्म नाम की राशि से देख सकते हैं, लेकिन हमें अधिक जो है गणना अपनी जन्म पत्रिका से जरूर करवानी चाहिए, सूक्ष्म फलादेश। अब देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो जैसे मार्केट में वर्तमान में ग्रहों की स्थिति परिवर्तन चल रहे हैं, ग्रहों का हेर फेर चलता रहता है, हमारे मार्केट को प्रभावित करता है। होने वाली बहुत सी घटनाएं भी जो रहती हैं मार्केट को प्रभावित करती हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो कल आपका आज का मार्केट, जी हाँ दोस्तों, आज का जो मार्केट बंद हुआ था निफ्टी में 16,416 और लो गया था 16,347, हाई गया था 16,487। तो जी हाँ दोस्तों, यह था आज का मार्केट। अब हम देखेंगे कि कल क्या स्थिति बन सकती है ग्रह स्थिति के अनुसार।
ग्रह गणना के अनुसार जो समझ में आ रहा है 9 से 11 यहाँ पर कुछ अप देखा जा सकता है। इसके बाद पुनः कुछ अप डाउन की स्थिति बन सकती है और कुछ डाउन में मार्केट जा सकता है। तो यह जानकारी मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी के बेस पे दी है और कल जो काम हो सकता है लगभग 130 से लेकर के 200 पॉइंट के बीच में कार्य के योग बन रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।